हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि ये ग्रो ऐप में जो वैलिडिटी डे एंड होता है इसका क्या मतलब होता है, एक्चुअल में इसका काम क्या है। आज के इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने वोडाफोन आइडिया का 3500 शेयर्स मैंने बाय किए थे। इसकी जो वैलिडिटी आप देख रहे हो ये डे एंड है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा हो कि ये डे एंड क्या है, ये मेरी जो शेयर्स मैंने जो बाय किए ये इसकी वैलिडिटी डे एंड है, मतलब ये एक दिन के अंदर मेरे शेयर से गायब, मतलब मेरे डीमेट अकाउंट से गायब हो जाएंगे। क्या हम ये एक दिन ही होल्ड कर सकते हैं? अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को रखना है तो मैं कैसे बाय करूं? तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो मैं आज की इस वीडियो में सारा चीज कवर करने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं कि ये वैलिडिटी डे इन जो होता है इसका एक्चुअल वर्क है क्या। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। कुछ सवाल जवाब आपको तो आप कमेंट भी करके पूछ सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दे दिया हूं, आप वहां पे मैसेज करके भी अपनी जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है, आप डिस्कशन कर सकते हो गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने वोडाफोन आइडिया के 3500 शेयर्स खरीदे थे, इसकी वैलिडिटी डे इंड है, ठीक है। तो ये समझते हैं कि ये वैलिडिटी डे इंड का मतलब क्या है। मतलब सपोज दैट आपने कोई शेयर्स को खरीदने के लिए आपने ऑर्डर लगाया, तो ये जो ऑर्डर आप लगा रहे हो ना उसकी वैलिडिटी डे इंड है, ना कि शेयर्स की वैलिडिटी डे इंड है। अगर आप एक बार शेयर्स को खरीद लिए ना तो उसकी वैलिडिटी कुछ नहीं, आप लाइफ टाइम तक रख सकते हो जब तक आप होल्ड करना चाहो। हम जो ऑर्डर लगा रहे उसकी वैलिडिटी डे इंड है। सपोज दैट आपने मूवी वगैरह में तो देखा ही होगा, जैसे कि कोई घर बिकता है तो उसमें बोली लगती है ना कि ये घर की कीमत 1 करोड़ है, कोई और इस पे आगे बढ़ चढ़ के बोली लगाना चाहता है तो कोई लगाता है 1 करोड़ 1 लाख, कोई बोलता है कि 1 करोड़ 4 लाख। तो जो 1 करोड़ 4 लाख में जो फिक्स हो जाता है ना कि इसके ऊपर और कोई बोलने वाला नहीं है, तो 1 करोड़ 4 लाख में क्या होता है ना, ये घर उसके नाम पे हो जाता है। इसी प्रकार जो हम स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, हम कोई भी शेयर्स को खरीदने के लिए ना हम बोली लगाते हैं, मतलब ऑर्डर लगाते हैं, उस ऑर्डर की वैलिडिटी डे इंड है। सपोज दैट आपने एक ऑर्डर लगाया, वो ऑर्डर सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, मतलब जिस प्राइस पे आपने लगाया, चाहे मार्केट प्राइस पे लगाया चाहे आप लिमिट प्राइस पे लगाया, उस प्राइस पे मार्केट आया ही नहीं, तो जो आपका ऑर्डर तो स्टैंड रहेगा ना, वो क्या होता है ना, जैसे ही मार्केट क्लोज होता है ना तो आपका ऑर्डर भी कैंसिल हो जाता है और जो भी पैसे होते हैं वो आपको रिफंड आपके ग्रो अकाउंट में कर दिया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ना तो आपके शेयर्स की वैलिडिटी डे इंड है, ना ही आपके, जैसे कि सपोज कि आपको समझ में आया होगा तो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो, जैसे कि वोडाफोन आइडिया का है, मैं बाय कर रहा हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं ऊपर वाले इस पे एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो डे आ जाता है। डे इंड मतलब जो ऑर्डर लगा रहा उसकी वैलिडिटी डे इंड होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसका एक्चुअल फंडा क्या है गाइस। आप एक बार आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो फिर वैलिडिटी का कोई पंगा ही नहीं होता है। आप शेयर्स को लॉन्ग टर्म जितना दिन भी आप होल्ड कर सकते हो, इसका कोई पंगा नहीं है। हाँ, अगर आपका ऑर्डर सक्सेसफुल नहीं होता है, ओपन में रहता है, तब वो आपका डे इंड में जाके क्लोज हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा और आपके इसके यहाँ पे जो भी पैसा आपका ब्लॉक होगा, जो कटा होगा, वो आपके विद इन 2 से 3 आवर के अंदर रिफंड कर दिया जाएगा आपके ग्रो अकाउंट में। अगर नहीं भी करता है तो वापस थोड़े टाइम के बाद आ जाता है। तो आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे नए यूजर्स हैं जो ग्रो ऐप में आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये डे इंड क्या होता है, वैलिडिटी क्या होता है। तो मैं सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं, इस पर लोगों को अच्छे से समझा देते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ये वर्क कैसे करता है गाइस। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हम इस तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पर लाते रहते हैं।